हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है, इसलिए मेरी दीदी ने हमें इनवाइट किया था, तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के घर। मेरी दी हमारे रूम के थोड़े पास में ही रहती है, तो कभी भी ऐसा कुछ फेस्टिवल होता है तो हम उनके घर चले जाते हैं और वहीं पर सेलिब्रेट कर लेते हैं। फाइनली मैं अपनी दीदी के घर पहुंच गई हूं और आज मेरी दीदी ने बहुत कुछ बनाया था, तिल के लड्डू, बादाम की चिक्की और यहां पर तिलकुट भी है हमारे पास। तो अब सब चीज़ों को मैं अरेंज कर ले रही हूं, क्योंकि इसके बाद हम सब मिलकर एक साथ खाना खाने वाले हैं। और यहां पर देखिए मेरी दीदी ने कितनी अच्छी दही जमाई है। दही तो मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे दही खाना बहुत पसंद है, तो दही देखकर मेरे मुँह में बहुत पानी आ रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं कब जल्दी से खाना खा लूँ। मकर संक्रांति बहुत सारे लोगों ने 14 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया था, लेकिन हम 15 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने किस दिन सेलिब्रेट किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीचे रूम में हमें बहुत ठंड लग रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना छत पर जाकर खाया जाए। छत पर हम आराम से धूप का आनंद लेकर आराम से खाना खाएंगे, तो चलिए चलते हैं छत पर। आज बहुत टेस्टी चीज़ है खाने के लिए। फेस्टिवल जनरली इसीलिए आते हैं ताकि हम डेली के बोरिंग रूटीन से बाहर निकल सकें और बाहर निकल कर थोड़ा एंजॉय कर सकें, छोटी सी फैमिली गैदरिंग कर सकें। अगर सोचिए कि हमारे लाइफ में फेस्टिवल्स नहीं होती तो हमारी लाइफ कितनी बोरिंग होती। लेकिन हमारा इंडियन कल्चर इतना वास्ट है, इतना एनरिच है कि हम हमेशा पूरे साल एनर्जाइज फील करते हैं। हर रोज़ तो मैं आपसे स्टडी व्लॉग ही शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं आपसे फैमिली व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। इतना सारा खाना देखकर तो हमारे मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन फिर भी हम सबके आने का वेट कर रहे थे कि सब आ जाएंगे तब हम एक साथ खाना खाना शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन हम दही चूड़ा और उसके साथ गुड़ खाते हैं। आपके यहाँ क्या खाया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साड़ी में जो बैठी हुई है वो मेरी बड़ी दीदी है और उनके बगल में जो छोटी सी बच्ची है वो उनकी बेटी है। आज की वीडियो मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं उनकी भी रिकॉर्डिंग ले लेती हूँ और उनसे आप सभी को मिलवाती हूँ। हम जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, उनके साथ ये अक्सर होता है, हम हमेशा अपने फैमिली मोमेंट को मिस कर देते हैं, कभी एग्ज़ाम की वजह से, कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होने की वजह से। जब मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ में थी तो मैंने भी बहुत सारे फैमिली मोमेंट मिस किए हैं, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जब भी मौका मिले तो मैं अपने फैमिली के साथ यूनाइट हो सकूँ, उनके साथ मिल सकूँ, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ, क्योंकि ये बाद में बहुत काम आता है। क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपकी लाइफ में एन्जॉयमेंट भरती हैं, आपकी लाइफ को खुशियों से भरती हैं। तो वैसे ही आज एक और मौका था सेलिब्रेशन का। आज हमारी फैमिली 20 के की हो गई है, तो क्यों ना इसको सेलिब्रेट किया जाए। तो बस उसी सेलिब्रेशन के लिए मैं चली गई थी केक लाने के लिए। देखिए, ज़िंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम मध्यम मार्ग को चुनें। हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं रहना है और हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं रहना है। गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ज़िंदगी जीने के लिए मध्यम मार्ग को चुनो। पहले मुझे ये बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि हमें अपने जीवन को एक्सट्रीम पर नहीं जीना चाहिए। और मैं भी आपको कहती हूँ कि आपको कभी भी या तो ब्लैक या वाइट चूज़ नहीं करना है। आपको ब्लैक और वाइट से मिलकर एक कलर होता है ग्रे, आपको ग्रे कलर चूज़ करना है। इसका मतलब ये है कि जब आपको पढ़ाई करनी है तब आप पढ़ाई करिए और साथ साथ में बीच बीच में एंजॉय भी करते रहिए, अपनी लाइफ में कलर्स ऐड करते रहिए। तो बस मैं अपनी लाइफ में एक और कलर ऐड करने जा रही हूँ और अपनी 20 के फैमिली को आपके साथ सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। और मैं आप सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली 20,000 की हो गई है, और मैं विश करती हूँ कि हमारी फैमिली जल्दी ही 1,00,000 की हो जाए। यहाँ पर दोनों बच्चों के मुँह में पानी आ रहा था केक देखकर, और ये लोग बस केक को ही लगातार घूरते जा रहे थे। स्पेशली जो मेरी दीदी का बेटा है उसको केक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस वेट कर रहा था कि कब केक कटे और कब जल्दी से उसको केक खाने के लिए मिल जाए। यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने की जगह मेरी बड़ी दीदी गलती से हैप्पी बर्थडे गाने लग गई, तो इसलिए हम सभी लोग हंसने लग गए एक साथ में। और हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मुँह से हैप्पी बर्थडे ही निकलता है, और इसका रीज़न भी है क्योंकि बचपन से ना यही इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में फीड की गई है, तो बस हम हर जगह हैप्पी बर्थडे ही बोलना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलाती हूँ।
आप हमेशा पूछते हैं कि ये थर्ड कप चाय किसके लिए होता है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि वो थर्ड कप चाय मेरे हस्बैंड के लिए होता था। यूट्यूब स्टार्ट करने का आइडिया जो था वो मेरे हस्बैंड का ही था, क्योंकि शादी के बाद मैं बहुत ज़्यादा घर के काम में उलझ गई थी, अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि जो मेरे साथ हो रहा है वो बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि जैसे तुम स्ट्रगल करके पढ़ाई करती हो, इस जर्नी को तुम शेयर करो सबके साथ। और जब कभी भी मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और एक्चुअली में हमें ऐसे ही लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को ग्रो करते देखें। और मैं आप लोगों को कैसे भूल सकती हूँ ये केक का बाइट मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। हे व्यूअर्स, थैंक यू फॉर 20K सब्सक्राइबर्स। आज हमारी फैमिली 20,000 की हो गई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट दिया, अपना इतना ज्यादा प्यार दिया। मेरे चैनल के साथ आप इसी तरह बने रहिए, मोटिवेट करते रहूंगी और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती रहूंगी। इसे केक बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इसके साथ थोड़ा यहाँ पर फन कर रही थी। आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की है और बहुत दिनों से मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, लेकिन आज मैंने मस्ती करना ही प्रेफर किया है। मैंने चूज़ किया कि आज मैं आज का दिन पूरा अपनी फैमिली के साथ बिताऊँगी और एन्जॉय करूँगी, और ये लाइफ में ज़रूरी भी होता है। और जब हम कभी एक दिन ऐसे बहुत ज़्यादा मस्ती कर लेते हैं, फ़न कर लेते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो हमारे माइंड को एक स्केप मिल जाता है, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। देखिए, एक दिन पूरा मोबाइल में वेस्ट करने से अच्छा है कि कहीं बाहर घूम लीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ मिल लीजिए। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाता है। लेकिन अगर आप केवल मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं तो आपका माइंड जो है और ज़्यादा थक जाता है। और साथ में इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्रिकेट मैच था आज, तो हम मैच भी देख रहे थे। और मैं लगभग 3-4 महीनों के बाद कोई क्रिकेट मैच देख रही हूँ। मुझे क्रिकेट मैच और मेरी बहन को या फिर मेरी मम्मी को, हम सभी को बहुत पसंद है देखना। और यहाँ पर विराट कोहली ने सेंचुरी लगा ली है और हम इसे बहुत इंजॉय कर रहे थे। बहुत लोग कहते हैं कि लड़कियाँ मैच नहीं देखती हैं, क्रिकेट नहीं देखती हैं, लेकिन हमें किसी भी स्पोर्ट्स को जेंडर के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए। और अगर हम टीचर्स हैं, स्पेशली अगर हम बीएड के स्टूडेंट हैं, तो हमें तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रिकेट मैच देखना तो बहुत लोगों को पसंद होता है, और इसके बीच में अगर आपको चाय मिल जाए तो उसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।